तो हीरा यहाँ तो पुलिस के इसमें घुस कर उन लोगों को पूरा बर्बादी कर देंगे, इसलिए बोल दीजिएगा उसको दमिया का निकली बताइए। तो 6 दिन से गायब है आदमी और पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो एसपी हो करके अभी तक नहीं आए हैं, इतना बड़ा एरिया है, न थाने का कोई आपको एक्शन लिया जा रहा है। सिर्फ दारू पी के दारू वाला सब मेरा बेटा के ले गया, बताते हैं घाट गिरता है, राजा घाट गिरता है, रानी घाट गिरता है, मान घाट गिरता है, बड़ा से बिनती है कि मेरा बेटा के ला दीजिए, मेरा बेटा के ला दीजिए, मेरे डेंगू का कुछ न चाहिए। हम ये कह रहे हैं 6 दिन हो गया है अभी तो कोई मतलब कोई खोज वोज नहीं है, जब पुलिस के पास हम लोग जा रहे तो पुलिस मतलब कुछ कर ही नहीं रहा, कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब उसको वर्दी किस चीज का मिला है, किस चीज का वर्दी पहने हुआ है, ऐसे ऐसे वर्दी अगर पहने तो उसको उतार के फेंक देना चाहिए ना, कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा, अगर ऐसा ही रहेगा ना ऐसा ही रहेगा तो पुलिस के इसमें घुस कर उन लोगों को पूरा बर्बादी कर देंगे, इसलिए बोल दीजिएगा उसको दमिया का निकली बताइए। तो 6 दिन से गायब है आदमी और पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, इतना लेट हो गया अभी तो आप लोगों को जाना चाहिए थाना पे, सुनवाई नहीं हो रहा था, पुलिस आ रहा है चला जा रहा है, पुलिस आ रहा है चला जा रहा है, 6 दिन से आदमी गायब है, सोचिए क्या बीतता होगा उसकी मम्मी वहाँ पे, दारू पी के दारू वाला सब मेरा बेटा के ले गया, जायदा पे आए अभी तक सीनियर एसपी यहाँ आए नहीं है, बताइए इतने सीनियर एसपी हैं, बताइए थाने का भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, ये क्या हो रहा है, 3 दिन से बच्चा लापता है, 3 दिन से बच्चा लापता है और थाना में FIR भी हो गया, और अभी तक जुमा के दिन से जुमा के दिन सीनियर एसपी नहीं आएंगे, ये रोड नहीं खुलेगा जब तक बच्चे की बरामदगी नहीं हो जाती है, ये रोड नहीं खुलने वाला है, ये समझ लीजिए कि रोड पूरा ब्लॉक रहेगा, थाने पे भी विरोध प्रदर्शन होगा अगर बच्चे को नहीं अगर बरामदगी हो, अगर यहाँ से नहीं सुने तो थाने पे भी प्रदर्शन होगा, आप साफ साफ यहाँ सुन रहे हैं, वो जो पुलिस है वो घूस देकर पुलिस बना है, वो तो प्रतीक्षा लेता है पहले कि मैं देश के ये संभालूंगा, वो क्या संभालूंगा, कहाँ रक्षा रक्षा रहता तो मेरे भाई रहता अभी, छोटे बच्चे हैं, ये जो है डिटेल्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और ये मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, जितना रिपोर्टर हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग आके यहाँ दिखाइए और जितना जितना हो सके इनको इंसाफ मिले, आज जो तक के लिए जय हिंद। हमको सारा डिटेल्स दीजिए, इस पे डिटेल आपको दिलवा दिया जाएगा, टाइटल में जरूर से लिख दीजिए सीनियर एसपी जायदा की, कम से कम आकर के जायजा लें, बताइए एसपी हो करके अभी तक नहीं आए हैं, इतना बड़ा एरिया है, न थाने का कोई आपको एक्शन लिया जा रहा है, सिर्फ थाने के लोग आए SHO वगैरह आए यहाँ पे जायदा करके चले गए, बताइए आज 6 दिन होने जा रहा है, छह दिन होने जा रहा है, होने जा रहा आज ही का, ठीक है वही में आता है जी, बताइए आपको 24 घंटे का मोहलत दिया जाता है, अगर चाहते तो आप 24 घंटे के अंदर में बच्चे को बरामद कर सकते हैं, बताइए तो पुलिस की क्या कार्रवाई हो रही है, लोग कब तक इतने कड़ी धूप में लोग बाल बच्चे को छोड़ करके भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, बताइए प्रशासन की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बताइए इसी मोहल्ले भाई लोग हूँ सब यहाँ पे भाई बंधु हैं उनके हो गया है और अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ, FIR दर्ज हो गई है, देखिए बड़ी बहन है सभी लोग आपको यहाँ पे मौजूद है उनके घर से, बताइए थाने की कोई कार्रवाई नहीं, बस हम लोग चाहते हैं कि बच्चे की सकुशल बरामदगी हो जाए, बच्चा घर पे आ जाए, हम लोग रोड खाली कर देंगे, ठीक है आप पता करने गए वाला बोल रहे थे खोज रहे हैं, तो कब से खोज रहे हो, 6 दिन तुम्हारा बीत गया, क्या खोज रहे हो, तुम चाहते हो तो तुम चला 6 से 5 घंटे में तुम तफ्तीश कर करके निकाल दोगे बच्चे को, तो बताइए अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं, मोहम्मद तौफीक जो हुआ ना मेरा नाम,
तारीख है इसमें हमको आप पूरा डिटेल दे दीजिए। डिटेल हम दिलवा देते हैं। आधार का जीरोक्स हम आपको दिलवा दे रहे हैं। आधार का जीरोक्स दिलवा दो। आधार का जीरोक्स जल्द से जल्द बच्चा वापस चाहिए। हम लेते हैं आधार का। ठीक है ठीक है। हमें कह रहे अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो फिर हम लोग इसी तरह रोज जाम करते रहे तो और अदर कंट्री का भी हम लोग रोज जाम कर दिए जाएंगे और मजबूरी हम लोगों को जेल के अंदर एंट्री करना पड़ेगा। फिर मत कहिएगा कि मतलब हम लोग फिर बोल दिए कि उन लोगों को जनता ही चलाती है। अगर जनता गलत करती है गुस्सा में तो बोलिएगा जनता गलत कर रहा है। 5-6 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और FIR दिए हैं आपको। FIR कॉपी देखिए मेरे सामने है, मेरे हाथ में है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अगर गुस्सा में कुछ कर देंगे उल्टा सीधा तो फिर इसी को गलत आप फहराइएगा। बच्चे को ले गए हैं, 5 बच्चा है, उनकी बीबी का ऑपरेशन हुआ है, 1 महीना हुआ ऑपरेशन को, उनकी माँ बेवा है, घर चलाने वाला वही बच्चा है जो था, उसको 5 बहन है, उसका घर द्वार कैसे चलेगा, उसकी बीबी किराए में रहती है, उनकी माँ को सिर्फ बहन। बाल बच्चों को पोसेंगी, उसको 5 बहन है, वो कैसे शादी भी अपनी बहन का करेगी या ननद को, वही अपना उसको 5 बच्चा है वो कैसे अपना घर बस्ती करेगी, माए भी विधवा है। यही है कि DM को बुलाइए और मेरे बच्चे को सही सलामत वापस है, मेरे कुछ नहीं चाहिए। अंधा है, नहीं देख रहा है, इतना दारू चल रहा है, ये चल रहा है, ऊपर से चल रहा है, पानी से चल रहा है, बंद करवाइए दारू। भैया जानते हैं सबसे बड़ी की बात, अगर दारू बंद हो जाती है तमाम का तो कोई घाटा नहीं होता, जितना अगर दारू नहीं बिकता तो ये नहीं होता कोई सवाल नहीं होता। मुझे भी दिया था कि अगर मछली ले लेता है, ये ले लेता है, मारता भी है, मछली भी ले लेता है, मोबाइल भी लेता है। अच्छा अच्छा, जो पहले मारा भी था मेरे भागना को। और ये कानून क्या है कि अच्छा जिनका नाम ले रहे हैं जो दारू बेच रहा था उनसे पहले कोई तामझाम जी वहाँ हुआ था? जी हाँ हुआ था, वो एक बार आया नाव पे और उसके बाद मेरे कानून की हम उसकी भगनी ममानी है, वो मेरा भगना हुआ जो गायब है। हमारे मोहल्ले के फिलहाल देखिए वैसे भी अक्सर पुलिस लोग ना सिर्फ डंडा चलाने के लिए वर्दी पहनते हैं, ना कि एक्शन लेने के लिए, कोई तो कार्रवाई कर नहीं रहे। वैसे भी उसको धमकी के दिया गया था कि मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप लोग भी कुछ एक तो यहाँ का फोटो लो ठीक ना।